हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे टेबल का प्रोग्राम। तो टेबल आप सब लोग जानते ही होंगे, जो हम लोग बचपन में पढ़ते रहते हैं टेबल। तो हम सीखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम टेबल का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले IDLE को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि पाइथन को प्रोग्राम बनाने के लिए हमें IDLE को ओपन करना होता है, तो हम लोग IDLE को ओपन करेंगे और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल। तो यहाँ पर एक फाइल आई, यहाँ पर हम लोग अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता ही है कि टेबल क्या होती है, जो हमने बचपन में प्रोग्राम बना रख बचपन में हम लोगों ने टेबल किया है। तो सपोज़ अगर उसने 5 इनपुट किया तो हमें टेबल के रूप में 5 की टेबल, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि 5 × 5, 5 × 10, इन सब की टेबल हमें बनानी है। तो देखते हैं कि हम कैसे एक 5 की टेबल या किसी दूसरे नंबर की टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना, कि कैसे हम टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़र से एक इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर की हम टेबल बनाना चाहते हैं उसका इनपुट हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे लेते हैं इनपुट। तो n इज इक्वल टू int ब्रैकेट में इनपुट। इनपुट एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ इस पाइथन में इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे, एंटर अ नंबर। अब हम इस नंबर का टेबल प्रिंट कराएंगे। तो आपको पता होगा कि टेबल में 10 स्टेप होते हैं, यानी कि हमारी जो टेबल प्रिंट होती है उसमें 10 वैल्यूज़ होती हैं और वो 10 बार में आती हैं। तो उसको देखते हुए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारे टेबल में 10 स्टेप होते हैं। सो फॉर आई इन रेंज, ये हमने एक लूप चलाया जिसके ब्रैकेट में हम रेंज देंगे और वो रेंज होगी 1 से लेके 11। चूँकि आपको पता होगा कि पाइथन के लूप में जो लूप चलता है वो एक कम चलता है, यानी कि हमने 11 डाला है एंडिंग पॉइंट में, तो ये 10 तक चलाएगा। यहाँ पर हम कॉलन साइन लगाएंगे क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है। अब हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि हम लोग बचपन में कैसे टेबल प्रिंट करते हैं, क्योंकि बात आती है कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो आपको बता दें कि आप बचपन में कुछ टेबल इस तरीके से प्रिंट करते थे, जैसे कि 5 × 1 = 5। फिर आप लिखते थे 5 × 2 = 10, देन 5 × 3 = 15। कुछ इस तरीके से आपकी टेबल प्रिंट होती थी। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें, यहाँ से हमें लॉजिक मिल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3। 5 क्या है? 5 वो नंबर है जिसकी हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम में देखें तो 5 यहाँ पे n है, क्योंकि जो नंबर की टेबल यूज़र चाहता है वो नंबर n में जाने वाला है, यानी कि 5 5 5 जो लिखा हुआ है ये n की वैल्यू है। उसके बाद अगर हम थोड़ा ध्यान दें, हमें चाहिए 5 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। तो ये जो 1 2 3 है ये हमें किससे मिल सकता है? तो ये जो 1 2 3 है वो हमें लूप का वेरिएबल i से मिल सकता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से लॉजिक दिखाई दे रहा है। 5 यहाँ पे हो गया n, इंटू 3 जो है 1 2 3 है ये हमें i से मिल सकता है, और इज इक्वल टू इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे टेबल के स्टेप हैं, लाइक एस टी। तो ये हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस लूप के अंदर लिखेंगे टी इज इक्वल टू एन इन टू आई, क्योंकि हम लोग इस साइड इक्वल नहीं लगा सकते, सो हमने यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू एन इन टू आई। जब हम देखें तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले एन की वैल्यू अगर हमने 5 एज्यूम करी है तो यहाँ पर 5 × 1 तो इसमें आएगा 5, नेक्स्ट टाइम 5 × 2 तो इसमें आएगा 10, 5 × 3 यहाँ पर 15। तो हम 1 2 3 कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि लूप चलता रहेगा बार बार और यहाँ पर आई की वैल्यू में 1 2 3 4 करता रहेगा। तो इस टी के पास जो जो भी वैल्यू आ रही हैं वो हमारे स्टेप हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हमें बार बार प्रिंट कराना है। हमें इस प्रोग्राम से 10 आंसर चाहिए, तो हमारा जो प्रिंट है वो लूप के अंदर रहेगा। तो हम प्रिंट के ब्रैकेट में लिख देंगे टी। तो कुछ इस तरीके से हमारा छोटा सा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। हम लोग इसको एक बार रन करके देखेंगे कि क्या ये प्रोग्राम बाकी में रन हो पा रहा है कि नहीं, और ये हमें आंसर दे पाएगा नहीं। तो हम इसको F5 प्रेस करेंगे रन करने के लिए, क्योंकि रन करने का शॉर्टकट F5 होता है। यहाँ पर हमने ओके किया, ये हमसे सेव करने के लिए बोल रहा था। हम यहाँ पर टेबल लिख देंगे, table.py, एंटर करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पे आ रहा है एंटर अ नंबर, तो हम यहाँ पे डालेंगे सपोज़ 4। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा 4 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एक बार हम फिर से इसको रन करके देखेंगे कोई दूसरी वैल्यू लेकर के। तो हम फिर से F5 प्रेस करेंगे रन करने के लिए। हमने यहाँ पर नंबर डाला सपोज़ 8। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे सामने हमारे 8 की टेबल प्रिंट हो गई।
तो इस तरीके से हम टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। बहुत ही छोटा लॉजिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने n का इनपुट लिया जिसका हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, उसके हमने लूप चलाया 1 to 11, क्योंकि हमें टेबल में 10 स्टेप होते हैं जिसके लिए लूप को 10 टाइम चलाना पड़ेगा, सो हमने 1 से 11 चलाया। और यहाँ पर लॉजिक बनाया t इज इक्वल टू n इंटू i, n वो नंबर है जिसका हम टेबल चाहते हैं और i वेरिएबल है जिससे हमें 1 to 3 पर मिलता रहेगा। तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5 के जो रिजल्ट्स हैं वो टी में आएंगे और प्रिंट टी उन सारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने टेबल का प्रोग्राम बना के तैयार किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लॉजिक को सोच पाते हैं, कर पाते हैं और छोटे से प्रोग्राम को बना पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।